नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश अभी कोरोना से उभरने की जंग लड़ रहा है। इस बीच ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने लोगों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देश के 10 राज्यों में ब्लैक फंगस के 7000 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। आलम यह हो चुका है कि हालात को भांपते हुए देश के कुछ राज्यों में ब्लैक फंगस को अब महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस की चुनौती। 10 राज्यों में ब्लैक फंगस का हमला। देश पर छाया काली मौत का साया। अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनौतियों से जूझ रहा था, अब उसी देश में ब्लैक फंगस का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। देश के लिए ये नई मुसीबत कितनी बड़ी होती जा रही है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इस बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि धीरे धीरे ये बीमारी देश में अपने प्रसार का दायरा भी बढ़ाने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां ब्लैक फंगस के 7200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की अब तक इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। देश में कोरोना की खतरनाक महामारी के बीच ब्लैक फंगस के प्रसार ने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही जल्द ब्लैक फंगस ने देश के 10 से भी ज्यादा राज्यों को अपने शिकंजे में ले लिया है। ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी ने जिन राज्यों में अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं, उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि जिन राज्यों में इस बीमारी ने तेजी के साथ अपने पांव पसारे हैं, उन राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। यूपी 8वां राज्य है जहां ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को और उत्तर प्रदेश ने भी कल इस महामारी एक्ट के अंतर्गत ब्लैक फंगस को एक गंभीर बीमारी में अधिसूचित कर दिया है। जब आप इसको अधिसूचित करते हैं तो इससे संबंधित जो दवाइयाँ हैं पूरे देश में, अगर उसमें शॉर्ट सप्लाई होता है तो उसको केंद्र सरकार उसके पूरे उत्पादन अपने अंदर ले लेती है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ब्लैक फंगस का खतरा साफ महसूस किया जा सकता है। यहाँ ब्लैक फंगस के अब तक 33 मामले सामने आ चुके हैं। हैरानी इस बात की है कि यहाँ एक ही निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से एक मरीज की इस बीमारी की वजह से मौत भी हो चुकी है। अभी तक मेरे पास 25 मामले आ चुके हैं। 25 में से एक मरीज जिसका नाम राजा राम था, सियानी का रहने वाला था, उसको मैंने ऑपरेट किया था। आगे आगे से आँख तक पहुंचा हुआ था फंगस और उसके ब्रेन तक गया हुआ था। उसमें इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन आइडियली लगना चाहिए था, जो उस मरीज को अवेलेबल नहीं हुआ और उसके कारण हमें उस मरीज को खोना पड़ा। उधर गौतम बुद्ध नगर में भी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अपनी दस्तक दे चुकी है। यहाँ अब तक ब्लैक फंगस के 20 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बीमारी से लड़ने वाली दवाओं की किल्लत को दूर कर लिया गया है। ब्लैक फंगस के भी हमारे यहाँ 21 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं और अभी ऐसी कोई डेथ नहीं हुई ब्लैक फंगस से, जो कि निश्चित रूप से ब्लैक फंगस से हुई हो। मेरे पास सरकार ने दवाई प्रोवाइड करा दी है मेरठ में और हमने डॉक्टर चंदन को ऑथराइज कर दिया है। आगरा में भी ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहां अब तक ब्लैक फंगस के 7 मरीज सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 44 बेड तैयार कर लिए गए हैं।
कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस की दस्तक हो गई है और आगरा में 7 मरीज ब्लैक फंगस के पाए जा चुके हैं अब तक, जिनमें 3 की हालत गंभीर है और 1 मरीज का ऑपरेशन किया जा चुका है, सफल ऑपरेशन। तो जो तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से और मेडिकल कॉलेज की तरफ से, तो इस कोविड हॉस्पिटल में 20 बेड बनाए गए हैं ब्लैक फंगस मरीजों के लिए। इसके अलावा ENT डिपार्टमेंट जो है उसमें 20 बेड है, साथ ही साथ मेडिसिन वार्ड जो है वहाँ भी 4 बेड तैयार कर दिए गए हैं ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए। कि अपने डायबिटिक और ब्लड कंट्रोल, जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल में रखें, और अगर कोई भी सिम्टम्स आता है सबसे पहले सर्जिकल इंटरवेंशन ही इसका है, इसलिए तुरंत अपने को एडमिट करा लें ताकि आपका इलाज शुरू हो जाए। जो IMA हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम लोगों ने, और अपने SN मेडिकल और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्लीननेस के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है ताकि कोई भी फंगस जो है, जो हमारा ICU बेड्स है वहां से फैले ना, इसकी हमारी तैयारी की जा रही है। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस चुनौती बनता जा रहा है। यहाँ इस बीमारी के अब तक 700 केस दर्ज किए जा चुके हैं। यही वजह है कि अब सरकार इस बीमारी के मरीजों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे की तैयारी कर रही है। साथ ही राज्य के 9 सरकारी अस्पतालों और 11 निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज को मंजूरी दे दी गई है। ब्लैक फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है, चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। चंडीगढ़ में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। यहां PGI में भर्ती 21 मरीजों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि दवाओं और इंजेक्शन की किल्लत ने परेशानियों को और बड़ा कर दिया है। सब जगह से ही ज्यादा केस, मतलब ये नहीं है पंजाब की आ रहा है, हरियाणा से भी आ रहा है, इवन हिमाचल से भी आने लग गए। सो ये बीमारी जो है सभी जगह। उधर हरियाणा में अब तक ब्लैक फंगस के 268 मरीज मिल चुके हैं। मुश्किल इस बात की है कि जींद अस्पताल में भर्ती मरीजों को इस बीमारी का इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। दवा और डॉक्टर के अभाव में मरीजों को रोहतक रेफर किया जा रहा है। फिलहाल हमारे पास इसकी सुविधा नहीं है बायोप्सी करने की, तो हमारे पास सरकार की तरफ से यही गाइडलाइन है कि अगर कोई ब्लैक फंगस का सस्पेक्टेड केस आता है तो जींद जिले को रोहतक के साथ अटैच कर दिया गया है, तो हम उसको रोहतक भेज देते हैं ताकि उसका टाइमली इंटरवेंशन कर सकें, बायोप्सी कर सकें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। कोरोना की ही तरह ब्लैक फंगस का भी सबसे भीषण कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इनमें करीब 90 मरीजों की मौत के बाद सरकार टास्क फोर्स बनाने को मजबूर हो गई है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे में ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज मिले हैं, जबकि मुंबई में 160 और नासिक में 166 मरीज मिले हैं। नासिक में ब्लैक फंगस के चपेट में आने से 8 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसलिए सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। ब्लैक फंगस के जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार इसको? ये कोरोना नया वायरेंट हो रहा है, ये ब्लैक फंगस अब सामने आया है, इसकी तैयारी जो है देश में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अब ये सामने आया है तो ये भी एक चैलेंज है, और इसकी दवाई ज़्यादा से जल्दी कैसे उपलब्ध करें इसके ऊपर जो है टास्क फोर्स काम कर रही है, और सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है दवा किस तरीके से उपलब्ध की जाए उस पर काम कर रही है। जाहिर है कोरोना काल के बीच इस नई आफत ने मुसीबतों की खाई को और चौड़ा कर दिया है। यही वजह है कि राज्य सरकारें जहां एहतियात बरत रही हैं, वहीं लोगों को भी इस बात की हिदायत दी जा रही है कि कोरोना की ही तरह ब्लैक फंगस के मामले में भी लापरवाही बरतना घातक साबित हो सकता है। कोरोना काल में चुनौतियों का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत सामने आ जाती है। ब्लैक फंगस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इस बीमारी में भी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और यही वजह है
कि स्वास्थ्य महकमा इस बार अब नई महामारी को लेकर ना सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहा है बल्कि राज्य सरकारों ने भी अब ब्लैक फंगस से निपटने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है। क्या है ब्लैक फंगस, क्यों बड़ी है ब्लैक फंगस की चुनौती, कैसे फैलती है ये बीमारी, क्या है ब्लैक फंगस का इलाज, कोरोना काल के बीच आया ब्लैक फंगस नाम का यह शब्द भले ही नया है लेकिन इसके खतरे की अनदेखी करना बेहद घातक है। सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद के उस मामले को समझते हैं जिसकी वजह से ब्लैक फंगस को हरगिज हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल जिस गुजरात में 1000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उसी गुजरात के अहमदाबाद में बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला मिला है। अहमदाबाद में 13 साल का बच्चा ब्लैक फंगस की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि बच्चे और उसकी माँ को कोरोना हुआ था। बच्चा तो कोरोना से निगेटिव आ गया लेकिन उसकी माँ की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इस बीच बच्चे की मुसीबत उस वक्त बढ़ गई जब दांत में दर्द और सूजन के शिकायत के बाद ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। फिलहाल बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसके एक तरफ के दांत निकालने पड़े हैं। हम अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि म्यूकोरमाइकोसिस शायद बच्चों में नहीं होगा या बच्चों को कम से कम इतना परेशान हैरान नहीं करेगा, परंतु अभी ये पहला केस हमने देखा है तो उससे हमारी ये धारणा भी टूट गई है कि म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया है। सो जिस तरीके से हमें एडल्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे थे म्यूकोरमाइकोसिस के, हमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे, यही सारी चीज़ बच्चों में भी संभव है ये इस केस ने साबित कर दिया है। इस बीमारी के खतरे को भी समझिए, किसी मरीज की आंख निकालने की नौबत आ रही है तो किसी के चेहरे के हिस्से को अलग करना पड़ रहा है तो किसी मरीज के सामने कोई दूसरी चुनौती पेश आ रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वो इन्फेक्शन को रोकने और उससे बचाव के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करें, साथ ही अस्पतालों में सफाई और सैनिटाइजेशन की समीक्षा करें। चिट्ठी में सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए और संस्था के हेड को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। इन्फेक्शन के बचाव और कंट्रोल के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाने का भी सुझाव दिया गया है जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सीनियर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाने और उसे लागू करने के लिए भी कहा गया है। ब्लैक फंगस के इलाज की कई दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के गरीबों को वित्तीय मदद का ऐलान किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने ट्वीट किया कि इन समुदायों से जुड़े सालाना 3 लाख से कम आमदनी वालों को इलाज में 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इस बीमारी का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, न ही कोरोना की वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। ब्लैक फंगस बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो कि पहले भी होती रही, जब कोविड था ही नहीं तब भी होती रही है, और उसमें जो मैं कहूँगा मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है कि ये बीमारी डायबिटीज़ में होती है और जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होता है तब खासकर होता है। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए इससे पहले भी हमने स्टेट्स को कहा है कि उसको एक नोटिफाइबल डिजीज़ के रूप में नोटिफाई किया जाए। साथ ही पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो ओवरऑल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम केसेस को या स्टेटस को मॉनिटर करने में स्टेट से सहायता लेते हैं, वहाँ पर वह रेलेवेंट फॉर्म्स भी पुट इन कर दिए गए हैं जिसमें कि स्टेट्स वह डिटेल्स नोटिफाई करने के बाद फील्ड स्थाई पर लेते हुए हमें बता पाएं कि कितने केसेज आए हैं। वह कल ही किया गया है और स्टेट्स उस पर अपना डेटा भरना शुरू करेंगे।
उधर यूपी सरकार का दावा है कि राज्य में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां पीजीआई डायरेक्टर की अध्यक्षता में डॉक्टरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। बहुत लंबा स्टेरॉयड देने से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस आप जो देख रहे हैं, इस तरीके का कोरोना निगेटिव होने के बाद इस तरीके की इन्फेक्शन बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है, तो ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। और जो ओरली जो लोग मार्केट से ऐसी ले रहे हैं, उनको के लिए कहना है कि जब तक कोई चिकित्सक एडवाइज़ न करे तब तक जो है कॉर्टिसोन वो न लिया जाए। दरअसल ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसके शुरुआती लक्षणों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है, इसलिए समझना जरूरी है कि अगर ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है। नाक में सूजन, नाक में सूखापन, नाक का सुन्न होना, गालों पर सूजन, मुंह के अंदर फंगस का पैच, पलकों में सूजन जैसे लक्षण अगर दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब नाक में समस्या चालू, नाक में सूखापन होता है, नाक बंद होती है, नाक सुन्न होती है, गाल में सूजन आती है, ये जो शुरुआती तालवे में खाने में दिक्कत आती है, उस समस्या में ध्यान दे तो आगे बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। और अगर इन लक्षणों की अनदेखी की जाए तो ये बीमारी कितनी भारी साबित हो सकती है, इसे भी समझ लीजिए। उनमें देरी में आंखों की रोशनी को आंखों को पकड़ती है, अंधापन कर देती है, दिमाग को पहुँचती है, और दिमाग में पहुँचने के बाद बचाना बहुत मुश्किल होता है। आँख में पहुँचने के बाद आँख का पार्ट भी निकालना पड़ता है, रोशनी को ले लेती है, आँख की रोशनी को अंधापन कर देती है, जो परमानेंट होता है। तो वो बड़ी जटिल समस्या है, इसलिए शुरुआती अवस्था में इलाज हो तो ज़्यादा बेहतर है। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है। महामारी घोषित होने के बाद राज्य सरकार का दावा है कि हर मरीज का रिकॉर्ड रखा जाएगा, साथ ही राज्य में नेजल एंडोस्कोपी की मुहिम भी शुरू की जाएगी। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की क्या रणनीति? देखिए, सरकार ने आज हमने इसको महामारी घोषित किया है, और इसका इलाज सुनिश्चित हो सके, इसका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्द हो सके, जल्दी इलाज हो सके, इसकी सर्जरी हो सके, इसकी सब व्यवस्था हमने की है। और महामारी के बाद अब एक एक पेशेंट का रिकॉर्ड, उसके बारे में सब जानकारी हम इसकी पूरी इकट्ठा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को उचित इलाज समय पर मिल सके। हमने नेजल एंडोस्कोपी का एक मुहिम शुरू की है जिसमें हम इससे इस बीमारी का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। सर, ये जो एम्फोटेरिसिन बी एक अहम इंजेक्शन माना जा रहा है, लेकिन उसको लेके हम अमिति अस्पताल गए, हमने कई जगह देखा, कतारें लगी है, लोगों को नहीं मिल रहे। ये बात सही है कि एम्फोटेरिसिन बी की देश में बहुत कमी है, और इसीलिए लगातार हम केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, और हमने जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने बात की है, और हम लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसकी आपूर्ति मध्य प्रदेश में आ सके और इसका युक्तिकरण हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन में करें। सर, एक महंगा इंजेक्शन है, ज़्यादा तादाद में लगेगा, किसी गरीब को होती है तो कैसे कर पाएगा? देखिए, हमने सरकारी मेडिकल कॉलेज में हमारे इसके फ्री ऑफ कॉस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की है कि इसका भी हम इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। उधर महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस रखी है। मुंबई के नायर हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो सिर्फ ब्लैक फंगस के मरीजों का ही इलाज कर रही है। आइए समझते हैं कि आखिर ये टीम कैसे काम कर रही है, किस तरीके से जो है पूरा पेशेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है, कितने मरीज जो हैं अभी हॉस्पिटल में हैं और कितना जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। अभी फिलहाल हमारे हॉस्पिटल में करीबन 30 पेशेंट होंगे, कोविड नॉन कोविड सब मिला के, और उसमें से ज्यादातर तो नॉन कोविड पेशेंट हैं। उसमें से थोड़े जो है वो कोविड के दरमियान भी उनको ये फंगस हो गया है नाक के अंदर, और जैसे ही पेशेंट आते हैं हम उनको देखते हैं, हम डायग्नोस करते हैं। कॉमन सिम्टम्स उनके क्या यूजुअली होते हैं कि कोई भी अनटुवर्ड नेजल सिम्टम, जैसे कोई पेशेंट को जैसे एलर्जी की तकलीफ है, उनको तो हमेशा नाक के सिम्टम्स रहते हैं, पर जिस पेशेंट को पहले कभी ज्यादा सर्दी नहीं हुई है, बोलते हैं जैसे मेरी नाक बंद है या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से कुछ अजीब तरह का स्मेलिंग कर पानी आ रहा है, फेस पे नमनेस हो रही है, जैसे सुन हो जाता है फेस वैसा, आंख में लाली, आंख से पानी निकलना बेकारण, एक साइड पे स्पेशली होता है। मेरी हाई ब्लड शुगर ये फंगस के ग्रोथ के लिए बहुत ही पोषक हो जाती है, तो स्टीरॉइड्स और ये
अनकंट्रोल डायबिटीज है, दो मेन है, और प्लीज कोविड की वजह से उनकी जो प्रतिकार शक्ति जो हाफ हो जाती है, तो ये सब एकत्रित उसका परिणाम है कि इतना सर्ज जो हमें दिख रहा है म्यूकर माइकोसिस की केसेस में। यानी कोरोना की ही तरह अगर ब्लैक फंगस को लेकर भी लापरवाही बरती जाती है तो ये कई लोगों के लिए जानलेवा बन सकती है। यही वजह है कि देश के तमाम राज्यों का स्वास्थ्य महकमा इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए भी युद्ध स्तर पर कोशिशों में जुट चुका है।